नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश के शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विषय में। ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बीच में थोड़े समय के लिए दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना हुआ था, तो इसके विषय में जानेंगे आज की इस वीडियो में। वैसे मैं बता देना चाहूँगा कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग जो है वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसने 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के मृत्यु के कुछ समय मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो देखिए, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, ये इल्तुतमिश का पुत्र था। और इल्तुतमिश की जैसे ही मृत्यु होती है तो जो तुर्क सरदार होते हैं वो लोग जो हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना देते हैं। और आगे चल करके रजिया वो जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपदस्थ करके खुद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन जाती है। तो देखिए, पूरा जो स्टोरी है ना उसको शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इल्तुतमिश जिसने 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, तो इल्तुतमिश इसका जो पुत्र है, जो मतलब सबसे योग्य पुत्र होता है इल्तुतमिश का, वो था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि बहुत ही बड़ा अच्छा योग्य था। वो जो है इल्तुतमिश के समय में कई सारे प्रशासनिक जिम्मेदारियां उसने संभाली हुई थी। वो जो है अवध का, बंगाल बिहार का सूबेदार रह चुका था। लेकिन 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। आगे चल करके जब इल्तुतमिश को लगता है कि वो जो है बूढ़ा हो गया है, अधिक दिन नहीं जी पाए, और उसके समक्ष जब उत्तराधिकार वाला समस्या सामने आता है कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा, तब जो है वो बड़ा मतलब चिंतित होता है कि मैं किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। क्योंकि देखिए, इल्तुतमिश का जो है ना, नासिरुद्दीन महमूद के अलावा और भी दूसरे पुत्र होते हैं। नासिरुद्दीन महमूद जिसकी 1229 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके अलावा भी इल्तुतमिश के और बहुत सारे पुत्र होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उतना योग्य नहीं होता है कि उसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो इल्तुतमिश क्या करता है, अपने सभी पुत्रों को छोड़ करके अपनी पुत्री रजिया, उसको जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। और इस संबंध में अपने जो तुर्क सरदार होते हैं, दूसरे जो अधिकारी होते हैं, उन सबको भी अपने पक्ष में ले लेता है। मतलब कि उन सबको भी मना लेता है कि मेरी मृत्यु के बाद रजिया ही दिल्ली सल्तनत की शासिका बनेगी। तो ये सब चीज होता है। तो आगे चल करके 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो जो बहुत सारे जो तुर्क सरदार होते हैं वो इल्तुतमिश की जो उत्तराधिकारी वाली बात है उसको जो है उतना समर्थन नहीं कर रहे होते हैं। तो वो जो तुर्क सरदार क्या करते हैं, इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको दिल्ली के तख्त पर बैठा देते हैं। बाकी जो रजिया है वो भी कुछ नहीं कर पाती है। और ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, उसकी मां थी शाह तुर्कान, जो कि पहले एक दासी हुआ करती थी। मतलब कि इल्तुतमिश जो कि खुद पहले दास हुआ करता था, तो उसने जो है किसी दासी से विवाह किया था और उसी दासी से रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जन्म हुआ था। तो ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, बड़ा ही अयोग्य किस्म का व्यक्ति होता है। ये मतलब हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है। इसी कारण इतिहास में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को विलास प्रेमी जीव कहा गया है, क्योंकि ये जो है सदा भोग विलास में डूबा रहता था। तो जो शासन की जो सारी जिम्मेदारी थी ना, वो शाह तुर्कान के हाथों में थी। और ये जो दोनों माँ बेटे थे ना, बड़े जो जनता थी ना उस पर बड़ा अत्याचार किया करती थी। उतना मतलब अच्छे थे नहीं ये लोग, तो जनता भी जो है इनसे काफ़ी त्रस्त थी। तो कुछ ही दिनों में जो जनता है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माँ के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। विद्रोह जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपनी राजधानी छोड़ करके विद्रोह को दबाने के लिए निकलना पड़ता है। तो जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी राजधानी से बाहर जाता है विद्रोह को दबाने के लिए, तो रजिया क्या करती है, वो जो है लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के समक्ष उपस्थित होती है और शाह तुर्कान के विरुद्ध दिल्ली की जनता से न्याय की मांग करती है। देखिए, उस समय जो है ना, जो लाल कपड़ा हो
होता था ना, वो न्याय का प्रतीक होता था। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो जो है लाल वस्त्र धारण करके न्याय की मांग कर सकता था। तो जो रजिया है वो जो है लाल वस्त्र पहनती है और दिल्ली की जनता के सामने उपस्थित होती है और उनसे जो है शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विरुद्ध न्याय की मांग करती है कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी बनवाया था लेकिन ये लोग जो है मेरे जगह पर बैठ गए हैं। तो ऐसा जो है वो जनता से अपना जनता को जो है अपने सपोर्ट में करने की कोशिश करती है और जो जनता है ना वो भी रजिया सुल्तान की ओर हो जाती है, मतलब कि रजिया का पक्ष लेने लगती है। और जो तुर्क सरदार होते हैं जिन्होंने इल्तुतमिश का साथ दिया था तो वो लोग भी जो है अब साथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है रजिया सुल्तान तुर्क सरदारों मतलब दिल्ली के तुर्क सरदारों और दिल्ली की जनता के सहयोग से दिल्ली सल्तनत की शासिका बनने में सफलता प्राप्त करती है। और जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह वापस आता है तो उसको जो है बंदी बना लिया जाता है और आगे चल करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो याद रखिएगा ये सारा कुछ रुकनुद्दीन फिरोज शाह के विषय में, जो कि इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बीच में थोड़े समय के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। वैसे तो ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अगर आप लोगों का कोई भी लिखित परीक्षा है, चाहे आप पीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर सेट, नेट, जेआरएफ, इस टाइप की कोई परीक्षा है तो उन सब में ये बड़े काम का होता है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।